नमस्कार स्वागत है आपका मैकटेक आई टी आई यूट्यूब चैनल में मैकटेक आई टी आई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं इसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड आई टी आई के एक महत्वपूर्ण ट्रेड है जो मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत आती है इसके तहत जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके हमने हर ट्रेड के लिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल तथा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हैं आप कृपया उन्हें भी देखिए लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं तो चलिए शुरू करते हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज का टॉपिक है ग्राइंडिंग मशीन व्हील बैलेंसिंग यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज में और किस तरह के सुधार देखना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड का ग्राइंडिंग मशीन व्हील बैलेंसिंग टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है वॉट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन में एक्स रूप एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है आप एक चित्र देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एक्स मार्क किया हुआ है इसका नाम आपको बताना है तो आपके ऑप्शंस हैं फीड हैंडल दूसरा ऑप्शन है रिवर्सिंग डॉग तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक लीवर चौथा ऑप्शन है रैपिड फीड लीवर इसका सही आंसर है ए फीड हैंडल अगला प्रश्न है वॉट इज द पर्पज ऑफ साइड स्क्रू प्रोवाइडेड इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन टेबल बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन टेबल में दिए गए साइड स्क्रू का उद्देश्य क्या होता है तो पहला ऑप्शन है अलाइन द व्हील हेड व्हील हेड को संरेखित करना दूसरा ऑप्शन है अलाइन द वर्क टेबल कार्य टेबल को संरेखित करना तीसरा ऑप्शन है अलाइन द जॉब कार्य को संरेखित करना और चौथा ऑप्शन है अलाइन द मशीन तो मशीन को संरेखित करना इसका सही आंसर है बी अलाइन द वर्क टेबल वर्क टेबल को संरेखित करना अगला प्रश्न आपके सामने है वॉट इज द डेप्थ ऑफ कट फॉर रफ ड्रेसिंग अ ग्राइंडिंग व्हील मोटे तौर पर एक ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग के लिए कट की गहराई कितनी होनी चाहिए तो आपके पहल, पहला ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम दूसरा ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन एम एम तीसरा ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम टू ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम चौथा ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन एम एम तो इसका सही आंसर है सी जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम अगला प्रश्न आपके सामने है वॉट इज द डेप्थ ऑफ कट फॉर फिनिश ड्रेसिंग ए ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग व्हील तैयार करने के लिए कट की गहराई कितनी होनी चाहिए तो पहला ऑप्शन है 0.02 पॉइंट जीरो टू एम एम टू जीरो पॉइंट फाइव एम एम दूसरा ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम टू जीरो पॉइंट सेवन एम एम तीसरा ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम चौथा ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो वन एम टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन एम एम इसका सही आंसर है सी जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम टू टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है एक फिगर दिखाई दे रहा है इस फिगर में आपको बताना है कि ये जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन चल रहा है इस ग्राइंडिंग ऑपरेशन का नाम क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यह ग्राइंडिंग हो रही है तो इस ग्राइंडिंग ऑपरेशन का नाम आपको बताना है तो आपका पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग प्लेन सर्कल सादा बेलनाकार ग्राइंडिंग दूसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग टेपर सर्कल टेपर बेलनाकार ग्राइंडिंग तीसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग एक्सटर्नल सेंटरलेस केंद्र रहित बाह ग्राइंडिंग चौथा ऑप्शन है ग्राइंडिंग पैरल बोर समांतर बोर ग्राइंडिंग तो इसका सही आंसर है डी ग्राइंडिंग पैरल बोर अगला प्रश्न आपके सामने है वॉट इज यूज टू होल्ड द बुश फॉर ग्राइंडिंग एक्सटर्नल डायमीटर बाहरी व्यास को ग्राइंडिंग के लिए बुश को पकड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है पहला ऑप्शन है स्टीडी रेस्ट दूसरा ऑप्शन है लेथ चक तीसरा ऑप्शन है फेस प्लेट चौथा ऑप्शन है मैंडरल तो इसका सही आंसर है डी मैंडरल अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है विच ग्राइंडिंग मशीन इज वर्सटाइल एंड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन कौन सी ग्राइंडिंग मशीन बहुमुखी है और किस प्रकार के ग्राइंडिंग का कार्य करना है करती है तो आपका पहला ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर बेलनाकार ग्राइंडर दूसरा ऑप्शन है सेंटरलेस ग्राइंडर अर्थात केंद्र रहित ग्राइंडर तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल ग्राइंडर चौथा ऑप्शन है सरफेस ग्राइंडर तो इसका सही आंसर है सी यूनिवर्सल ग्राइंडर अगला प्रश्न आपके सामने है विच ग्राइंडिंग मशीन स्टॉक व्हील हेड एंड टेबल इज स्विवेल्ड टू एनी डिजायर्ड एंगल कौन से ग्राइंडिंग मशीन में स्टॉक व्हील हेड और टेबल को किसी भी वांछित एंगल पर घुमाया जा सकता है तो आपके ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन है सरफेस ग्राइंडर दूसरा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर तीसरा ऑप्शन है सेंटरलेस ग्राइंडर और चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल ग्राइंडर तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल ग्राइंडर अगला प्रश्न आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है एक फिगर दिया हुआ है इस फिगर में एक्स क्या है ये आपको बताना है वॉट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज मार्क्स इन यूनिवर्सल ग्राइंडर आप देख सकते हैं यहां पर एक यूनिवर्सल ग्राइंडर का चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें आप किसी भी डिजायर्ड एंगल पर ग्राइंडिंग कर सकते हैं वहां पर एक्स जो पार्ट को मार्क किया हुआ है इसका नाम आपको बताना है आपका पहला ऑप्शन है व्हील हेड दूसरा ऑप्शन है अपर टेबल तीसरा ऑप्शन है हेडस्टॉक चौथा ऑप्शन है चक तो इसका सही आंसर है सी हेडस्टॉक अगला प्रश्न आपके सामने है विच ग्राइंडिंग मशीन इज सुटेबल फॉर टूल रूम वर्क उपकरण कक्ष में काम के लिए कौन सी ग्राइंडिंग मशीन उपयुक्त है पहला ऑप्शन है सरफेस ग्राइंडर दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल ग्राइंडर तीसरा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर चौथा ऑप्शन है सेंटरलेस ग्राइंडर तो इसका सही आंसर है सी सॉरी बी यूनिवर्सल ग्राइंडर अगले क्वेश्चन में आपके सामने एक ग्राइंडिंग मशीन का चित्र दिया हुआ है आपको बताना ही है ये किस प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन है कौन सी ग्राइंडिंग मशीन इसका नाम आपको बताना है पहला ऑप्शन है सरफेस ग्राइंडर दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल ग्राइंडर तीसरा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर चौथा ऑप्शन है सेंटरलेस ग्राइंडर तो ये यूनिवर्सल ग्राइंडर है तो अर्थात बी इसका सही आंसर है अगला प्रश्न आपके सामने है वॉट इज द मटीरियल ऑफ वॉशर यूज इन बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड फ्लैंज वाइल माउंटिंग माउंटिंग के समय ग्राइंडिंग व्हील और फ्लैंज के बीच जो वॉशर इस्तेमाल किया जाता है वो किस मटीरियल का बना हुआ बना होता है तो आपके ऑप्शन हैं एल्यूमिनियम शीट दूसरा ऑप्शन है कार्डबोर्ड तीसरा ऑप्शन है कॉपर शीट चौथा ऑप्शन है ब्रास शीट तो इसका सही आंसर है बी कार्डबोर्ड अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है इस फिगर में आपको एक्स मार्क के बारे में बताना है जो एक्स मार्क किया हुआ है ये एक्स क्या है ये कौन सा पार्ट है तो आपके ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन है आउटर फ्लैच दूसरा ऑप्शन है पेपर वॉशर तीसरा ऑप्शन है इनर फ्लैच चौथा ऑप्शन है स्पिंडल नट तो इसका सही आंसर है इनर फ्लैंश अगला प्रश्न है विच रिंगिंग साउंड इंडिकेट्स द व्हील इन इज नॉट क्रैगड किस ध्वनि से संकेत मिलता है कि व्हील कट क्रैक नहीं हुआ है क्रैक नहीं है तो आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है एबनॉर्मल असमान दूसरा ऑप्शन है डल यानी कुंठित तीसरा ऑप्शन है क्लियर अर्थात स्पर्ट चौथा ऑप्शन है वेरी लाउड यानी बहुत जोर इसका सही आंसर है सी क्लियर स्पष्ट अगला प्रश्न आपके सामने है वॉट इज द डिफेक्ट इन ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग व्हील आप देख सकते हैं इस ग्राइंडिंग व्हील में आपको डिफेक्ट को बताना है ये जैसे यहां पर ये पर्टिकुलर डिफेक्ट आपको दिख रहा है ये डिफेक्ट आपको बताना है यह किस प्रकार का डिफेक्ट है तो आपके ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन है डैमेज माउंटिंग बुश क्षतिग्रस्त माउंटिंग बुश दूसरा ऑप्शन है चिप्ड एज चिपकी हुई धार तीसरा ऑप्शन है क्रैक अर्थात दरारें चौथा ऑप्शन है डैमेज पेपर वॉशर यानी क्षतिग्रस्त का, कागज का कागज वॉशर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्रैक्स हैं तो इसका सही आंसर है सी क्रैक्स अगला प्रश्न आपके सामने है विच इज विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग व्हील का दृश्य निरीक्षण कौन सा है आपके ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन है रिंगिंग साउंड बजने की आवाज दूसरा ऑप्शन है क्रैक्स अर्थात दरारें तीसरा ऑप्शन है डल साउंड चौथा ऑप्शन है ध्वनि आपका सही आंसर है सी सॉरी बी क्रैक्स अर्थात दरारें अगला प्रश्न आपके सामने है विच ड्रेसर इज हार्डर एंड मोर एक्सपेंसिव कौन सा ड्रेसर इनमें से हार्ड uh, है तथा अधिक महंगा भी है तो आपके ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन है ग्रे बोर्ड दूसरा ऑप्शन है ब्लैक डायमंड तीसरा ऑप्शन है ब्राउन बोर्ड चौथा ऑप्शन है एब्रेसिव स्टिक इसका सही आंसर है बी ब्लैक डायमंड ब्लैक डायमंड टाइप ऑफ ड्रेसर इज हार्डर एंड मोर एक्सपेंसिव अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसर इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन ग्राइंडिंग सटीक ग्राइंडिंग के लिए प्रिसाइज ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के ड्रेसर का उपयोग किया जाता है आपके ऑप्शंस हैं एब्रेसिव स्टिक अपघर्षक छड़ी दूसरा ऑप्शन है स्टार ड्रेसर तीसरा ऑप्शन है डायमंड हीरा चौथा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ड्रेसर इसका सही आंसर है सी डायमंड ड्रेसर अगला प्रश्न है आपके सामने वॉट टाइप ऑफ व्हील ड्रेसर इज यूज इन टूल रूम फॉर ड्रेसिंग ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग करने के लिए टूल रूम में किस प्रकार के व्हील ड्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है आपके ऑप्शन हैं स्टार ड्रेसर एब्रेसिव स्टिक दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है कॉरुगेटेड डिस्क टाइप नालीदार डिस्क प्रकार का चौथा ऑप्शन है लॉक्ड व्हील ड्रेसर यानी बंद व्हील ड्रेसर तो इसका सही आंसर है बी एब्रेसिव स्टिक अपघर्षक छड़ी मशीनिस्ट ग्राइंडर के ग्राइंडिंग मशीन व्हील बैलेंसिंग टॉपिक से आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है यह प्रश्न नंबर बीस है व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसर इज यूज्ड इन स्मूथ व्हील्स फॉर रफ ग्राइंडिंग किसी ना किसी ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के ड्रेसर का उपयोग चिकनी व्हील में किया जाता है आपके ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन है कॉरूगेटेड डिस्क टाइप दूसरा ऑप्शन है स्टार ड्रेसर तीसरा ऑप्शन है लॉक्ड व्हील ड्रेसर चौथा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ड्रेसर तो इसका सही आंसर है ए कारुगेटेड डिस्क टाइप तो ये थे बीस प्रश्न मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड के ग्राइंडिंग मशीन व्हील बैलेंसिंग टॉपिक से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमने इस चैनल में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप टेक्नो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी वीडियोज़ डाले हैं जो आपके ट्रेड के लिए भी कंपलसरी हैं तो आप चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए हम इसी प्रकार के वीडियोज़ लाते रहेंगे और उन वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहेंगे कृपया सपोर्ट कीजिए आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे धन्यवाद आपका दिन शुभ हो